आप लोग? काफ़ी दिन हो गया दोस्तों, कोई वीडियो मैं अपने चैनल में अपलोड नहीं कर पाया था। असल में लाइफ में बहुत बिजी था, बहुत सारे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं मिल रहा था दोस्तों। तो अब लगभग मेरे सारे काम कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूँ वीक में एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ही। एक टॉपिक लाया हूँ दोस्तों आज आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना कि एंड्रॉयड मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल में एक प्रॉब्लम मैंने देखा है दोस्तों, वही प्रॉब्लम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्या है ना दोस्तों कि देखिए, हम लोग कोई भी मोबाइल में जब प्रॉब्लम होता है तो लगभग हम लोग उसे फैक्ट्री रीसेट कर देने से वो लगभग सॉल्व हो ही जाता है। पर ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, सेट करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। देखिए क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना, तो अगर आप कॉल करते हैं, आपके मोबाइल में कोई कॉल आता है तो नाम शो नहीं होता है। ये प्रॉब्लम शायद देखे होंगे कुछ मोबाइलों में, ऐसा बना था। मेरे मोबाइल में जब ये प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने काफ़ी बार कोशिश किया इसे सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसे सर्विस सेंटर में लेकर जाया जाए, शायद इसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पर बहुत कोई ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, वो एक सेटिंग होता है दोस्तों, उस सेटिंग को अगर ठीक कर दिया जाए जाता है। यहाँ तक कि मैंने मोबाइल को फॉर्मेट भी मार दिया था, रिस्टार्ट भी, सारे डेटा भी उसका उड़ा दिया था, उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अपने फ्रंट स्क्रीन में जाइए दोस्तों, और उसके बाद आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे एक आपका टैब खुलेगा दोस्तों मोबाइल में, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों, जैसे कनेक्शन। देखिए आप नीचे अगर स्क्रॉल करते रहते हैं दोस्तों, तो एक ऐप्स बोल के आपका एक ऑप्शन आएगा दोस्तों। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे आइए, ऐप्स। अब इस ऐप्स को ओपन कीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, कि आप अपने मोबाइल के अंदर आपके जितने भी सारे ऐप्स हैं, वो सारे ऐप्स आपके इस पेज में आपको नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों, फ़ोन। वहाँ पे आपको सबसे पहले आना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। फ़ोन आपको ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों, एक ऑप्शन नज़र आएगा फ़ोन। अगर इस फ़ोन में आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो एक और टैब खुलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा दोस्तों, मोबाइल बैटरी स्टोरेज मेमोरी, इस तरह का ऑप्शन है जिसमें नोटिफिकेशन भी है दोस्तों। अब एक परमिशन ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, इसमें बहुत तरह के परमिशन आपको मांगते हैं फ़ोन, जिसमें जो टेलीफोन का ऑप्शन है दोस्तों, ये अगर आपका बंद रहता है दोस्तों, तो आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नेम शो नहीं होगा दोस्तों। तो इसे ऑन करके हमेशा रखना पड़ता है दोस्तों। देखिए ये है तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम दोस्तों, पर बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप फैक्ट्री रिसेट भी करते हैं अपने मोबाइल को, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मैंने किया था दोस्तों, और मैंने अपने मोबाइल के सारे डेटा को भी उड़ा दिया था दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया जाए। है तो बहुत छोटा सा, किंतु है बहुत ही काम का चीज़ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कितना ईजी था इसका सॉल्यूशन करना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा मेरा ये छोटा सा वीडियो है, और आगे मैं वीडियो वीक में लाया करूँगा आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक में। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, और हमेशा की तरह कहता हूँ दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों।